20 कमाल की किचन टिप्स ताकि दुगना हो जाए आपके खाने का स्वाद। नंबर एक, छाना फाटने के बाद उससे निकालना, पानी फेंके नहीं। उसका इस्तेमाल रोटी या पराठे का आटा या गूंदने के लिए करें। रोटी पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। नंबर दो, पकौड़ों के लिए बैटर बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें, पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। नंबर तीन, पुरानी या बासी ब्रेड को पीस कर एक टाइट डब्बे में रख लें। बाद में इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करें। वह टूटेगी भी नहीं और स्वादिष्ट भी बनेंगे। नंबर चार, कोई भी मीठी डिश बनाते वक्त उसमें एक चुटकी नमक डालें, इससे स्वाद ज़्यादा उभर कर आएगा। नंबर पाँच, चावल बनाते वक्त इसके पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस की डालें, इससे चावल खिलखिले और बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। नंबर छः, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। चीनी ग्रेवी को स्वाद को अच्छे से ले कलर देगा और स्वाद भी आएगा। नंबर सात, पूरियों को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें, इससे वह फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगे। नंबर आठ, सूजी का हलवे के लिए भूनते वक्त उसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला लें, इससे हलवे का स्वाद दुगना हो जाएगा। नंबर नौ, लहसुन की कलियां 10 से 12 कलियों को बारीक काट के एक चम्मच तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, इससे पानी निचोड़े दही में नमक चिल्ली फ्लैश और बारीक कटा हुआ धनिया के साथ मिलाइए। आपके हेल्दी और टेस्टी सैंडविच स्पीड और डिप तैयार हो जाएगी। नंबर 10, परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को काटकर 2 से 3 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। पानी से निकालकर उन्हें किचन या नैपकिन या टिश्यू पेपर पर फैला दें, इससे इनका सारा पानी सूख जाएगा। अब इन्हें कॉर्नर फ्लावर से डस्ट करके जिप लॉक बैग या एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रीजर में रख दें। जरूरत पड़ने पर निकाल कर तुरंत फ्राई करें। नंबर 11, किसी भी ग्रेवी में अगर तेल या घी ज़्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रख दें। ऊपर तैर रहा तेल जम जाएगा और आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। बाद में अपने डिश को सर्व करने से पहले दोबारा गर्म कर लें। नंबर 12, भिंडी अगर हर बार चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दें, इसकी चिपचिपापन चला जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते वक्त एक चम्मच भुने बेसन भी डाल सकते हैं, इससे चिपचिपापन भी दूर हो जाएगा और भिंडी क्रिस्पी बनेगी। नंबर 13, नींबू पानी बनाने के लिए पहले से 2 कप चीनी को 1 कप पानी में घोल लें और इसमें 4 से 5 नींबू के रस मिला लें। इस मिश्रण को आइस ट्यूब में डालकर फ्रिज कर लें। जब भी नींबू या पानी या शिकंजे बनानी हो तो 2 क्यूब ग्लास में डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें और अपनी पसंद के हिसाब से चिल्ड सोडा या पानी डालकर मिक्स कर लें। इससे आपको अपने ड्रिंक में अलग सा बर्फ डालने की ज़रूरत नहीं होगी और बर्फ़ डालने के बाद शरबत जो फीका पड़ने लगता है वो परेशानी नहीं होगी। नंबर 14, किसी भी डिश की क्रीम या और रिच ग्रेवी बनाने के लिए प्याज टमाटर अदरक लहसुन और कुछ काजू के टुकड़ों को पानी में 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें। टमाटर का छिलका हटाने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ पीस लें, छान लें और इसे सॉस या पेस्ट के साथ अपनी ग्रेवी बनाएं तो बिल्कुल रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी। नंबर 15, मलाई से ज़्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ़ डालकर मिक्सी में चलाएं, इससे मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इससे मट्ठा और छाछ का इस्तेमाल आप कढ़ी या इडली का बैटर बनाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 16, लौकी के कोफ्ते या हलवा बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकलें उससे आटा गूंद लें, इससे पराठे न सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी भी बनेंगे, हेल्दी भी होंगे। नंबर 17, सेब के टुकड़े नहीं होंगे काले। कोई
कई बार सेब को काट कर रखने पर थोड़ी देर बाद वह काला पड़ जाता है। सेब को फ्रेश रखने के लिए वह काला न पड़े उसके लिए आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। इसके लिए आप कटे हुए सेब के टुकड़े को ठंडे पानी में नमक और नींबू डालकर उसमें डालकर निकाल लें। ऐसा करने से सेब काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगा। नंबर 18, किचन की कैंची की धार तेज करने के लिए अपनाइए ये ट्रिक। यदि आपकी किचन की कैंची अच्छे से काम नहीं करती है और उसकी धार कमजोर हो गई है तो आप इस ट्रिक को अपनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कैंची को नमक के डब्बे में 2 से 3 मिनट के लिए चला लें। ऐसे करने से आपकी कैंची की धार एकदम तेज हो जाएगी। नंबर 19, आसानी से लहसुन छीलने का ट्रिक। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन की कलियों को थोड़े टाइम के लिए गर्म पानी में डाल दें। फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन छीलेंगे तो बिना किसी मेहनत के सिर्फ ऊपर का हिस्सा काटने से ही पूरा छिलका निकल जाएगा। नंबर 20, नहीं बदलेगा चटनी का रंग। चटनी पीसने के बाद कई बार उसका रंग काला पड़ जाता है और जब हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो वह और भी काली हो जाती है। इसलिए चटनी बनाते समय उसमें 1 चम्मच दही डाल दें, इससे चटनी का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा।